हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज योर पर्सनल इंग्लिश कोच दिव्यम हियर। और इस वीडियो में हम समझेंगे सीन टू ऑफ एक्ट वन ऑफ शेक्सपियर्स फेमस प्ले कॉल्ड द टेम्पेस्ट। तो आइए शुरू करते हैं सीन टू। सीन टू कहाँ पे है? इट इज ऑन एन आइलैंड। और इस सीन में सबसे पहले तो प्रोस्पेरो और मिरेंडा एंटर करते हैं। सो इट्स लाइक दे आर कमिंग ऑन द स्टेज। रिमेंबर, शेक्सपियर के जितने भी प्लेज हैं, he has written as if it is being enacted on a stage, mano stage pe performance chal raha ho, isliye you'll see these words enter exit so second scene mein jo hai Prospero aur Miranda enter karte hain aur Miranda kehti hai ki father papa agar aapne apne magic ki madad se apne magical powers se अगर इस टेम्पेस्ट को, इस स्टॉर्म को क्रिएट किया है तो प्लीज़ इसको बंद कर दीजिए। देखिए वो आसमान कितना डार्क दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी आसमान से हॉट बॉइलिंग टार की बारिश होगी। ये जो नदी का पानी है वो अगर उतनी हाइट तक नहीं पहुंचता तो शायद आसमान से जो अंगारों की बारिश हो रही है वो कभी नहीं बुझती। मिरेंडा कहती है कि उस शिप में जितने भी लोग हैं उनको मैंने परेशान होते हुए देखा है, उनको सफर करते हुए देखा है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उनका सफरिंग वो मेरा सफरिंग। कितने अच्छे, कितने प्यारे लोग थे उस शिप में और अभी तहस नहस हो गए, अभी सारे लोग बिखर गए, डूब गए। फिर वो कहती है कि इफ आई वेयर अ गॉड, अगर मैं भगवान होती तो शिप के डूबने से पहले ही मैं सारी की सारी नदी को धरती के अंदर ले लेती, धरती के अंदर समा लेती। प्रोस्पेरो कहता है कि काम डाउन, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, टेंशन मत लो, एवरीबॉडी इज फाइन, नो हार्म वॉज डन, सब के सब ठीक है। मिरेंडा अभी भी दुखी है और वो कहती है कितना डरावना दिन है ये मेरे लिए, मैं बहुत ही डिस्टर्ब हूं, दिस इज अ वेरी टेरिबल डे फॉर मी। प्रोस्पेरो कहता है कि देयर वाज नो हार्म, मैं तुम्हें बता रहा हूं जो भी हुआ है, जो भी तुमने देखा है उसमें किसी को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तुम्हें ये पता नहीं है कि मैं कौन हूं, तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम कौन हो, तुम कहां से आई हो, और तुम्हें सिर्फ ये पता है कि आई एम योर फादर प्रोस्पेरो और मैं एक झोपड़ी में रहता हूं इन अ पुअर लिटिल शैक, इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं पता। मिरेंडा कहती है कि मैंने कभी ये सोचा नहीं, कभी इमेजिन नहीं किया कि जो अपनी लाइफ है, जो भी चल रहा है अपने साथ, उससे आगे मुझे जानना चाहिए, उससे आगे मुझे पता होना चाहिए। फिर प्रोस्पेरो कहता है कि अब समय आ चुका है कि तुम्हें सब कुछ पता चल जाए, इट इज टाइम फॉर यू टू नो द होल स्टोरी। एक काम करो, मुझे मदद करो ये मैजिकल गारमेंट है उसको उतारने के लिए। सो व्हाट मिरेंडा डज इज शी हेल्प्स प्रोस्पेरो रिमूव हिज क्लोक, उसको क्लोक कहते हैं, CLOAK, विच इज नथिंग बट अ गारमेंट। और फिर वो कहता है कि मिरेंडा वहां पे बैठ जाओ और मैं तुम्हें सारी कहानी बताता हूं, सबसे पहले अपने आंसुओं को पोंछो और मेक योरसेल्फ वेरी कंफर्टेबल और मैं तुम्हें फिर से ये रीअश्योरेंस देता हूं कि जो तुमने देखा, जो भी डरावने सिनेरियोस तुमने देखे, इतना हॉरिबल एटमॉस्फेयर देखा, उसमें किसी को भी खरोच तक नहीं पहुंची, एवरीबॉडी इज सेफ। और ऐसा मैंने क्यों किया ये मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूं, आराम से बैठो एंड मेक योरसेल्फ वेरी कंफर्टेबल। मिरेंडा कहती है कि मैंने ये आपको पूछने की कोशिश भी की है इन द पास्ट कि मैं कौन हूँ, कैसे हम यहाँ पे आए और आप कौन हैं, लेकिन आपने क्या किया, शुरू किया और बीच में से ही ख़त्म कर दिया। और फिर जब मैं आपके पास वापस आती थी अपनी हिस्ट्री जानने के लिए तो आप मुझे कहते थे रुको अभी नहीं, बाद में बताऊँगा। प्रोस्पेरो कहता है कि नाउ आई विल टेल यू एवरीथिंग, समय आ चुका है कि तुम्हें सब जानना चाहिए, ये एक ऐसा मोमेंट है तुम्हारे लिए कि तुम्हें ध्यान से सुनना चाहिए और बहुत ही
ज़्यादा अटेंशन देना चाहिए मेरी बातों पे, क्योंकि तुम्हें वजह पता चलेगी कि मैंने ऐसा क्यों किया, ये जो मैजिकल पावर से मैंने शिप रेक किया वो क्यों किया। फिर प्रॉस्पेरो मिरेंडा से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है तुम यहाँ पे कैसे आई। तुम्हें नहीं पता होगा, क्यों? क्योंकि तुम 3 साल की भी नहीं थी जब मैं तुम्हें यहाँ पे लाया, क्या तुम्हें पता है? मिरेंडा कहते हैं कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत याद है। प्रॉस्पेरो कहता है क्या तुम्हें याद है, बताओ, घर, कोई इंसान, तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या याद है। मिरेंडा कहती है कि मेरी जो मेमोरी है थोड़ी सी हेजी है, थोड़ी सी ब्लर है, मुझे सिर्फ इतना ही याद आ रहा है कि मेरा ध्यान रखने के लिए 4 से 5 वेमेन को डिप्लॉय किया था और वो सब मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। तो प्रॉस्पेरो ये कहता है उसे कि अरे वाह, तुम्हें ये याद है कि तुम्हारे लिए बहुत सारी लेडीज और बहुत सारी वेमेन को रखा था ध्यान रखने के लिए, अगर तुम्हें ये याद है तो तुम्हें बहुत कुछ याद होगा, कैन यू ट्राई रिकॉलिंग एंड टेल मी कि वो क्या था, और अगर तुम्हें इतना पता है तो आई एम वेरी श्योर तुम्हें ये भी याद होगा कि तुम और मैं यहाँ पे कैसे आए। मिरेंडा कहती है कि नहीं नहीं मुझे वो सब याद नहीं है, मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि देर आर सम लेडीज हु टुक केयर ऑफ मी। प्रॉस्पेरो कहता है कि योर मदर वॉज एक्सट्रीमली वर्चुअस, बहुत ही मॉरल वेमेन थी, और तुम्हारी मम्मी ने मुझे ये बताया था कि तुम मेरी डॉटर हो, और उसने ये भी बताया था कि तुम्हारे फादर ड्यूक ऑफ मिलान है और तुम एक प्रिंसेस हो। अब प्रॉस्पेरो जब मिरेंडा को ये कहता है कि तुम्हारे फादर ड्यूक ऑफ मिलान थे, तो मिरेंडा ये उनको पूछती है कि क्या तुम मेरे फादर नहीं हो। प्रॉस्पेरो उसको जवाब देता है और कहता है कि बिकॉज योर मदर वॉज अ पीस ऑफ वर्च्यू, मतलब वो एक मॉरल वुमेन थी और वो बहुत ही ओबीडियंट रहती थी, और प्रॉस्पेरो को जहाँ तक याद है मिरेंडाज मदर डिड नॉट हैव रिलेशन विद एनी अदर मैन अपार्ट फ्रॉम प्रॉस्पेरो, सो वो कन्फर्म करता है कि येस आई एम योर फादर। एंड ऑल ऑफ दिस हैपन्ड 12 years since, मीन 12 साल पहले प्रॉस्पेरो और मिरेंडा को निकाल दिया गया था। अब मिरेंडा सोचने लगी और वो कहती है कि गुड लॉर्ड ऐसा हुआ था हमारे साथ, तो हमारा यहाँ पे आना, हमारा इस आइलैंड पे आना, क्या वो एक ब्लेसिंग है या फिर कर्स? प्रॉस्पेरो कहता है कि दोनों, बोथ ऑफ देम, इट इज अ ब्लेसिंग एंड इट इज अ कर्स। हमें उस पर्टिकुलर लैंड से इसलिए निकाल दिया गया बिकॉज देर वॉज समवन जो एक प्लान बना रहा था, जो एक षड्यंत्र रच रहा था हमारे खिलाफ, और उसके ईविल डीड्स की वजह से हमें निकाल दिया गया संभव। लेकिन इट इज़ अ ब्लेसिंग कि हम इस आइलैंड पे हैं बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ गुड इन हियर। मिरेंडा कहती है कि कितना पेनफुल होगा आपके लिए वो सब रिकॉल करना, अगर मैं आपकी जगह पे होती तो शायद रोने लगती, लेकिन आप बहुत ब्रेवली ये सब रिकॉल कर रहे हो और मुझे बता रहे हो। प्रॉस्पेरो फिर कंटिन्यू करता है और वो कहता है कि मेरा एक भाई है जिसका नाम है एंटोनियो, दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा उसको प्यार करता था, दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसे लोग थे जिसको मैं बेहद प्यार करता था, 1 इज़ यू, 2 इज़ एंटोनियो, मैं उसको बहुत ही लॉयल मानता था, लेकिन क्या हुआ, वो निकला डिसलॉयल और मैंने उसको अपनी कुछ ड्यूटीज़ दे दी कि ऐसे स्टेट रन करना है, इस तरीके से लोगों को जस्टिस देना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और मेरे समय में, आई एम टॉकिंग अबाउट 12 years अगो, जो ये लैंड था उसमें कोई भी छल कपट नहीं होता था, इट वॉज वेरी स्मूथ और बहुत अच्छी तरह से चल रहा था और बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट था, पीपल बिलीव्ड इन मी व्हेन आई रैन द स्टेट। बट प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरा इंक्लिनेशन था टुवर्ड्स लर्निंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स
लाइक लॉजिक, ग्रामर, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी. तो मैंने क्या किया, मैंने एंटोनियो जो कि मैं बहुत लॉयल मानता था उसको मैंने कहा कि तुम मेरा स्टेट रन करो वाइल आई लर्न दीज सब्जेक्ट्स. तो मैं अपने लाइब्रेरी में बैठता था और पढ़ता था. फिर प्रॉस्पेरो ने मिरांडा की ओर देखा और पूछा कि क्या तुम मुझे सुन रही हो, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. मिरांडा ने कहा कि मैं टोटली फोकस्ड हूँ, मैं बहुत ही ध्यान से सुन रही हूँ. प्रॉस्पेरो कंटिन्यू करता है और वो कहता है कि एक बार एंटोनियो को रूल करते करते इतना पावर आ गया, इतनी मास्टरी आ गई कि वो कुछ लोगों को प्रमोट करता था, कुछ लोगों को वो डिमोट करता था, कुछ लोगों से दोस्ती बना ली और मेरे जितने भी करीबी फ्रेंड्स थे या एम्प्लॉयज़ थे जो मेरे साथ काम करते थे उनको अपनी तरफ कर लिया और जो भी वो कहता था लोग उसे मानने लगे. मतलब लोगों को काइंड ऑफ हिप्नोटाइज कर लिया और मेरा सारा पावर छीन लिया. उसने लोगों को धीरे धीरे ये रियलाइज करवाया कि अब प्रॉस्पेरो नहीं है, नाउ आई एम द रूलर, आई एम द किंग, मेरी बात मानो. फिर प्रॉस्पेरो वापस मिरांडा के सामने देखता है और कहता है कि तुम ध्यान नहीं दे रही हो, आई एम टॉकिंग अलोन, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा ध्यान नहीं है जो भी मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर. मिरांडा कहती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आई एम पेइंग अटेंशन टू यू. फिर प्रॉस्पेरो कंटिन्यू करता है और कहता है कि प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अब जब एंटोनियो रूल कर रहा था, प्रॉस्पेरो इज टेलिंग मिरांडा कि जब एंटोनियो रूल कर रहा था तो मैं अपने सब्जेक्ट्स में डूबा हुआ था, मैं सीख रहा था बहुत कुछ. मुझे ये नहीं पता था कि वो दूसरी तरफ गलत काम कर रहा है और दूसरी तरफ वो बहुत ग्रीडी बन चुका है, डिसलॉयल बन चुका है, अनट्रस्टवर्दी बन चुका है. अब हुआ ये कि रूल करते करते उसके पास पावर तो आ ही गया था लेकिन पैसा भी आने लगा था और धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होने लगा था. फिर वो वापस मिरांडा को पूछता है, आर यू लिसनिंग टू मी. मिरांडा कहती है कि यस यस, आप मुझे इस तरीके से बता रहे हो कि एक बहरे इंसान को भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, वट एवर यू आर सेइंग कुड क्योर डेफनेस. प्रॉस्पेरो वापस कंटिन्यू करता है और वो फिर कहता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, वो कहता है कि उसका पॉलिटिकल परफॉर्मेंस यानी कि एंटोनियो का पॉलिटिकल परफॉर्मेंस परफेक्ट करने के लिए उसने क्या किया, सबको बता दिया कि आई एम द ड्यूक ऑफ मिलान, मैं ही राजा हूँ यहाँ का, मेरी बात सुनो. और अगर मैं अपनी बात करूँ, प्रॉस्पेरो मिरांडा को कहता है कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए तो मेरी लाइब्रेरी ही सब कुछ थी, मुझे लाइब्रेरी में ही बहुत मज़ा आता था अलग अलग सब्जेक्ट्स सीखने में. प्रॉस्पेरो कहता है कि एंटोनियो इतना पावर हंग्री बन चुका था कि उसने दोस्ती कर ली, किसके साथ, किंग ऑफ नेपल्स के साथ, नेपल्स के राजा के साथ दोस्ती कर ली और नेपल्स के राजा को कहा कि मैं तुम्हें हर साल पीरियोडिकली पैसे भेजूंगा. और उसको ये भी कह दिया, किंग ऑफ नेपल्स को ये भी कह दिया एंटोनियो ने कि जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूंगा, मैं आपकी शरण में आ चुका हूँ. तो प्रॉस्पेरो कहता है कि मेरे राज में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी के अंडर में काम करूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ. ये पहली बार हुआ था कि एंटोनियो किसी के वश में आ चुका था, किसी के कंट्रोल में आ चुका था और वैसे ही कर रहा था जैसे किंग ऑफ नेपल्स कहे. मिरांडा को थोड़ा सा शॉक लगा ये सब सुन के. फिर प्रॉस्पेरो मिरांडा को पूछता है, ये मैंने जो भी कहा तुम थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करो आराम से बैठ के और फिर तुम मुझे बताओ कि क्या मुझे एंटोनियो को भाई बुलाना चाहिए, शुड आई ट्रस्ट हिम, क्या तुम एंटोनियो को अंकल कहोगी, क्या तुम्हें एंटोनियो को अंकल मानना चाहिए. मिरांडा कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मुझे दया आ रही है मेरी दादी माँ के ऊपर, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि गुड वुमेन समटाइम्स गिव्स बर्थ टू बैड सन्स, जो अच्छी औरतें होती है उनके वहाँ पे कुछ गलत लोग पैदा हो जाते हैं. सो शी वॉज पिटिंग ऑन द ग्रैंड मदर. सो प्रॉस्पेरो ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई,
प्रॉस्पेरो मिरांडा से कहता है कि ये सब जब चल रहा था तो उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाई और वो एग्रीमेंट बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो एग्रीमेंट कुछ ऐसी थी कि एंटोनियो ने किंग ऑफ नेपल्स को कहा, एंटोनियो ने नेपल्स के राजा को कहा कि देख भाई, मैं तुझे दे रहा हूँ पैसा, सम्मान, सब कुछ, तो तुम्हारी आर्मी और तुम्हारे ऑफिसर्स को इसके बदले एक काम करना होगा, तुम्हें प्रॉस्पेरो को राजगादी से हटाना होगा और मुझे ड्यूक ऑफ मिलान बना देना होगा। सो व्हाट वाज द एग्रीमेंट? द एग्रीमेंट वाज दैट द किंग इन एक्सचेंज फॉर द रिस्पेक्ट एंड मनी पेड टू हिम वुड गेट रिड ऑफ मी एंड मेक माय ब्रदर द ड्यूक ऑफ मिलान, मेक एंटोनियो ड्यूक ऑफ मिलान इंस्टेड। तो उसके बाद किंग ऑफ नेपल्स ने एक आर्मी जमा की और मिडनाइट के समय, मध्यरात्रि के समय एंटोनियो ने मिलान के गेट्स खोल दिए और बहुत ही अंधेरा था, और दो तीन ऑफिसर्स को भेजा प्रॉस्पेरो के पास और प्रॉस्पेरो को धकेल के, और प्रॉस्पेरो और उसकी डॉटर यानी कि मिरांडा, उन दोनों को धकेल के, धक्के मार के उनको बाहर निकाला। प्रॉस्पेरो मिरांडा को कहता है कि उस वक्त तुम बहुत रो रही थी जब ये सब चल रहा था। मिरांडा कहती है कि क्या सच में ऐसा हुआ था? मुझे ये तो याद नहीं कि मैं इतना रो रही थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं वापस रो पड़ूंगी। ये जो आपने मुझे स्टोरी बताई है उससे मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। प्रॉस्पेरो कहता है कि थोड़ा सा और सुन लो और मैं तुम्हें करंट डेट, करंट टाइम तक सब कुछ बताऊंगा। इसके बाद तुम्हें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि मैंने जो किया अपने मैजिकल पावर्स से वो क्यों किया। मिरांडा पूछती है कि ये सब करने से क्या मिला उनको? इससे तो अच्छा था कि वो हम दोनों को मार देते। ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया? हमें क्यों नहीं मारा? प्रॉस्पेरो कहता है कि मेरी कहानी कुछ ऐसी है कि कोई भी अगर इसको सुनेगा तो वो ये सवाल ज़रूर पूछेगा कि मुझे और तुम्हें मार क्यों नहीं दिया। अब इसका जवाब यह है कि उनके पास उतनी डेयरिंग ही नहीं थी, उनके पास उतना करेज ही नहीं था कि वो हमें मार सके, क्योंकि मिलान के लोग हमें बहुत प्यार करते थे। तो अगर किसी को हमें मारना होता तो उनको एक प्लान बनाना पड़ता, उनको कुछ ऐसा करना पड़ता जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ, ये सच में एक दुर्घटना हुई और सच में हम दोनों मारे गए, इसलिए वो हमें मार नहीं सके। तो उन्होंने क्या किया कि एक शिप में हम दोनों को धकेल दिया और शिप जो है वो नदी में पुश करवा दी और मीलो दूर, फार अवे फ्रॉम मिलान, फार अवे फ्रॉम द लैंड, सी को पुश कर दिया। और सी के अंदर क्या था ये सुनो, सी के अंदर जो बोट्स रहती है जिससे हमारी जान बच सकती है वो भी सड़ी हुई थी, वो भी टूटी हुई थी, उसके अंदर सेल्स भी नहीं थे और मास्ट भी नहीं थे। तो आपने इमेजिन किया होगा एक शिप जो पुरानी शिप्स रहती थी उसके अंदर बहुत सारे पोल्स और पोल्स के बीच बंधे हुए कुछ वाइट कलर के क्लोथ्स रहते थे जिसको बोलते हैं सेल्स। तो सेल्स भी नहीं थे, मास्ट भी नहीं थे, या तो फिर टूटे हुए थे, रस्सियाँ भी नहीं थी, और व्हाट इज़ वर्स्ट इज उन लोगों ने हमारी शिप्स के अंदर, हमारी बोट्स के अंदर चूहे छोड़ दिए थे बहुत सारे, और फिर हम दोनों को पानी में भेज दिया था तड़पने के लिए ताकि हम पानी में जूझते रहें और फाइनली मर जाएं, और ऐसी दयनीय हालत में हमें छोड़ दिया था। मिरांडा सुन रही है और फिर वो सोचती है कि जब ये सब हो रहा होगा तो मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि मैं कितनी बड़ी बर्डन होंगी आपके लिए, आपने मुझे कितना संभाला होगा। तो प्रॉस्पेरो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इनफैक्ट तुम्हारी मुस्कुराहट देख के, तुम्हारी आँखों में देख के तो मुझे और ताकत आती थी। जब मैं रोता था, जब मैं चिल्लाता था बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, इट वॉज ओनली योर स्माइल जिसकी वजह से मुझे स्ट्रेंथ मिलता था, और मैं मन ही मन तुम्हें देख के ये सोचता था कि जो भी आएगा उसे मैं बड़ी ताकत से फेस कर लूँगा। मिरांडा कहती है कि वो सब तो ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि हम यहाँ कैसे पहुँचे, हम इस लैंड तक कैसे पहुँचे, हाउ डिड वी कम अशोर।
प्रॉस्पेरो कहता है कि देयर वाज अ डिवाइन पावर, कोई तो ऐसी ताकत थी जिन्होंने हमें बचा लिया, विद गॉड्स हेल्प वी रीच्ड हियर, हमारे पास थोड़ा बहुत खाना था, थोड़ा बहुत पानी था। और ऐसा क्यों था? वेल, ये एंटोनियो ने नहीं रखा था, ये किंग ऑफ नेपल्स ने नहीं रखा था, लेकिन हमें नदी में धकेलने का काम था एक बहुत ही ट्रस्टेड ओल्ड काउंसलर का, जिसका नाम था गोंजालो। गोंजालो प्रोस्पेरो को चाहता था, लेकिन उसको ऑर्डर्स तो फॉलो करने ही थे, तो समहाउ उसने प्रोस्पेरो और मिरेंडा को धकेल तो दिया, लेकिन उन दोनों के लिए अरेंजमेंट भी कर दिया। तो उसकी काइंडनेस इतनी थी कि उसने शिप के अंदर फ्रेश वाटर रख दिया पीने के लिए, खाना रख दिया, कुछ कपड़े भी रख दिए और बुक्स भी रख दिए, क्योंकि वो जानता था कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। और उसके बाद बिकॉज ऑफ ऑल द प्रोविजंस मेरे अंदर हमेशा थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ रहता था, और बिकॉज ऑफ हिम ओनली वी हैव रीच्ड हियर। मिरेंडा सोचने लगी कि काश मैं उस इंसान को मिल पाती। प्रोस्पेरो कहता है कि अब मुझे खड़ा हो जाना चाहिए, और खड़े हो करके वापस वो अपना जादुई गारमेंट पहन लेता है, और फिर वो मिरेंडा को कहने लगता है, वो कंटिन्यू करता है कि बैठो और सुनो मैं क्या कहने जा रहा हूँ। हम फाइनली इस आइलैंड पे पहुँचे, और बिकॉज तुम सिर्फ 3 साल की थी, 3 साल की भी नहीं थी, यू वर लिटिल लेस देन 3 ईयर्स ओल्ड, तुम्हारा एजुकेशन बाकी था, तो मैंने तुम्हें पढ़ाया, आई बिकेम योर टीचर, और तुम्हें बेस्ट एजुकेशन दिया। वैसे सारी प्रिंसेसेस क्या करती हैं? टाइम पास करती है, मस्ती मजाक करती है, लेकिन यू वेर डेडिकेटेड, और मैंने ध्यान रखा कि तुम्हारा एजुकेशन बहुत ही अच्छा हो। और मिरेंडा फिर कहती है कि आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर इट, लेकिन एक सवाल मेरे मन में अभी भी है कि तुमने एक इतना भयंकर सा टेम्पेस्ट क्यों रचा? व्हाट वाज द कॉज? आपने मुझे हिस्ट्री तो बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि इतना भयंकर स्टॉर्म, इतना भयंकर तूफान आपने क्यों क्रिएट किया विथ योर मैजिक। वो कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ उतना ही बताऊंगा जितना तुम्हें जानना जरूरी है। अभी के लिए तुम ये याद रखो कि लक जो होता है, इंसान का लक, वो अभी मेरे साथ है, और मेरे दुश्मनों की शिप टूटी हुई है उस पर्टिकुलर सी में, और लक इस तरीके से मेरे साथ है कि अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, अगर किसी की जान चली गई, तो शायद मैं अपनी पूरी जिंदगी पछताऊंगा और मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, इससे आगे मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। और वो कहता है कि नो मोर क्वेश्चंस एज ऑफ नाउ। और फिर मिरेंडा थोड़ी सी सोने लगती है, और फिर वो कहता है कि यू लुक स्लीपी, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें नींद आ रही है, और ये भी कहता है कि जैसे यहाँ पे लिखा है दाउ आर्ट इंक्लाइन टू स्लीप, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें नींद आ रही है। दिस गुड डलनेस, ये जो फीलिंग है जो जब हमें नींद आती है और व्हेन थिंग्स आर गुड, तो बहुत अच्छा लगता है। और प्रोस्पेरो कहता है कि यस यू हैव नो चॉइस, जब इंसान को नींद आती है तो सो जाना चाहिए। और फाइनली मिरेंडा सो जाती है, और वहाँ पे प्रोस्पेरो का सर्वेंट आता है। देयर इज अ न्यू कैरेक्टर व्हिच कम्स इन अ पिक्चर, प्रोस्पेरो का सर्वेंट, जिसका नाम है एरियल। एरियल कहता है कि ग्रीटिंग्स मास्टर, हेलो वन वर्दी सर, ग्रीटिंग्स, आपका जो हुक्म है वो मेरा कमांड है, योर विश इज माई कमांड, एंड आप जो भी कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे उड़ने के लिए कहोगे मैं उड़ूंगा, आप मुझे तैरने के लिए कहोगे मैं तैरूंगा, आप मुझे जंप मारने के लिए कहोगे मैं करूँगा, आप मुझे कहोगे कि बादलों के बीच चले जाओ, यस मैं वो भी करूँगा। एरियल आपके लिए हाजिर है, वो सब कुछ करेगा जो भी आप चाहते हो। प्रोस्पेरो कहता है कि एरियल जैसे मैंने तुम्हें कहा था, क्या तुमने वैसा ही किया? ये जो स्टॉर्म हमने क्रिएट किया है, डिड इट गो अकॉर्डिंग टू द प्लान? तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना? एरियल कहता है कि मैंने एक एक डिटेल को ध्यान में रखा, और जैसा भी
आपने कहा था मैंने एग्जैक्टली वैसा किया है। मैंने सारे के सारे लोगों को एकदम डरा दिया और शॉक्ड कर दिया, और मैंने अलग अलग जगहों पे आग लगा दी, और फिर वो जो आग है सब कुछ जलाकर एक हो गई थी, बहुत बड़ी सी आग बन चुकी थी। और मैं यहां से वहां बहुत ही तेजी से भाग रहा था, और मैंने इतना डरावना एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया था कि शायद जो सी का भगवान है, गॉड ऑफ सी हिमसेल्फ, वो भी कांपने लगेगा। प्रोस्पेरो कहता है कि गुड स्पिरिट, अब मुझे ये बताओ कि जब ये तूफान तुमने क्रिएट किया, जब इतना डरावना एटमॉस्फेयर रचा हुआ था, तो ऐसा कोई था जो डरा नहीं था, जो कि एकदम स्टेडी था लाइक अ रॉक? एरियल कहता है कि कोई भी नहीं, सब के सब डरे हुए थे, सब पागल हो चुके थे, और कुछ लोगों ने तो अपने अपने स्टंट्स भी किए जिंदा रहने के लिए, कुछ नुस्खे निकाले, लेकिन कोई फायदा नहीं, सब के सब पानी में डूब गए, बट नोबडी इज हर्ट। सबसे पहले सेलर्स ने उस शिप को छोड़ा और वो पानी में तैरने लगे। उसके बाद राजा का बेटा यानी कि फर्डिनेंड के बाल खड़े हो चुके थे, वो इतना डरा हुआ था। और सबसे पहले जब शिप में आग लगी, जब शिप डूबने वाली थी, तो सबको पीछे छोड़ के उसने पहले छलांग लगाई, और वो ये चिल्ला रहा था कि नर्क अब खाली हो चुका है, सारे के सारे राक्षस यहीं पे आ गए हैं। प्रोस्पेरो कहता है कि गुड जॉब, बट मुझे ये बताओ कि जब शिप टूटा, क्या वो शोर के पास था? कहीं ऐसा तो नहीं कि शिप बिल्कुल नदी के अंदर डूब चुका हो? एरियल ने कहा कि बहुत ही नजदीक माय मास्टर, ऐसा नहीं है, मैंने शोर के करीब ही ये स्टॉर्म रचा हुआ था। प्रोस्पेरो ने कहा कि आई होप एवरीबॉडी इज सेफ, ऐसा तो नहीं कि कोई डूब गया है? एरियल कहता है कि नहीं नहीं, सब के सब सेफ है, उनके कपड़े भी एकदम इंटैक्ट है, और इनफैक्ट वो स्टॉर्म आने से पहले जैसे थे उससे भी ज़्यादा फ्रेश दिख रहे हैं। और मैंने क्या किया है कि सभी लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, और अलग अलग ग्रुप्स में स्कैटर कर दिया है, और राजा के बेटे को मैंने दूर भेज दिया है एक आइलैंड पे, और वो वहाँ पे बैठा हुआ है, वो पछता रहा है और हैंड्स फोल्ड करके सोच रहा है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। प्रोस्पेरो कहता है कि तुमने जो राजा की बाकी जो शिप थी और सेलर्स थे और बाकी जो शिप्स जो साथ में आई थी उसका क्या किया? एरियल कहता है कि वो जो शिप है, राजा की जो शिप है, वो सेफली एक हार्बर में खड़ी है, और एक बार याद है आपने मुझे भेजा था पानी गैदर करने के लिए फ्रॉम द स्टॉर्मी बर्म्यूडा आइलैंड्स, मैंने एग्जैक्टली वहीं पे उस पर्टिकुलर शिप को, राजा की शिप को रखा हुआ है, पार्क करवाया हुआ है, और जो सेलर्स हैं वो डेक के नीचे सो रहे हैं, और एक मैजिकल स्पेल मैंने ऊपर उनके ऊपर कास्ट किया था, और उसकी वजह से वो सो गए हैं सारे के सारे। और जहाँ तक बाकी शिप्स की बात है, मैंने उनको स्कैटर कर दिया है यहाँ वहाँ, और मैंने उनको स्कैटर किया था, लेकिन सम हाउ बिकॉज ऑफ गॉड्स हेल्प वो वापस मेडिटेरेनियन में मिल चुके हैं, और धीरे 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 नेपल्स ट्रैवल कर रहे हैं अपने अपने घर, और वो सोच रहे हैं कि कैसे उन्होंने राजा की डेथ देखी, ये मन में रख के वो वापस नेपल्स पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोस्पेरो कहता है कि एरियल, तुमने एग्जैक्टली वैसा ही काम किया जैसे मैंने तुम्हें सौंपा था, वेल डन, गुड जॉब। और फिर वो कहता है कि बेटा और भी काम है, तुम्हें और भी काम करने का है, समय क्या हुआ? एरियल कहता है कि दोपहर हो चुकी है और ऑलमोस्ट दोपहर निकलने वाली है। प्रोस्पेरो कहता है कि एटलीस्ट 2 hours पास्ट नून, सो नून इज 12, 2 hours पास्ट नून मीन्स समवेयर अराउंड 2 PM। और वो कहता है कि अब हम समय वेस्ट नहीं कर सकते, वी कैनॉट वेस्ट टाइम, और 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक हमें कुछ काम करना है, वो हमें तुरंत ही करना चाहिए। एरियल कहता है कि क्या और भी काम बचा हुआ है? आप मुझे नए नए असाइनमेंट्स दे रहे हो, और आपने मुझे प्रॉमिस किया था वो तो आप फुलफिल ही नहीं कर रहे हो। प्रोस्पेरो कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम्हारा मूड ठीक नहीं है,
अब तुम्हारी और क्या डिमांड है? एरियल कहता है कि मेरी आज़ादी, माय फ्रीडम। आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे अब काम नहीं दोगे और खुला छोड़ दोगे, लेकिन आप तो मुझे काम दिए जा रहे हो। प्रोस्पेरो कहता है कि जब तक तुम्हारा सेंटेंस, तुम्हारी पनिशमेंट खत्म नहीं हो जाती, एक भी शब्द मत बोलना। तुम मेरे सर्वेंट हो, तुम मेरे स्लेव हो, और मैं जब तक ना कहूँ तब तक तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। एरियल कहता है कि प्लीज़, मैंने जो भी आपके लिए काम किया है अभी तक, उसको याद करो। मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला है, कभी गलतियाँ नहीं करी, और कभी मैंने अपने काम को गाली नहीं दी। और आपने ये प्रॉमिस किया था कि अगर मैंने जैसा आपने चाहा वैसा किया तो आप मेरी पनिशमेंट से एक साल कम कर दोगे। प्रोस्पेरो कहता है कि याद है मैंने तुम्हें किस टॉर्चर से फ्री किया? एरियल कहता कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं। प्रोस्पेरो कहता है कि एक तो तुम भूल चुके हो, और जब मैं तुम्हें काम देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग थ्रू द ओशन और रनिंग ऑन द नॉर्थ विंड, और मैं कोई भी काम देता हूँ तो तुम उसमें उसके चक्कर में सब भूल जाते हो जो भी मैंने तुम्हारे लिए किया है। एरियल कहता है कि नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैं कुछ भूलता नहीं हूँ। फिर प्रोस्पेरो के मन में गालियाँ आती है, क्योंकि प्रोस्पेरो इज अ पर्सन जिसने एरियल को छुड़ाया था। लेट्स सी व्हाट इज दैट। प्रोस्पेरो के मन में गालियाँ आती है, वो कहता है कि यू लाई, झूठे, नैस्टी, अनग्रेटफुल थिंग। वो कहता है कि तुम एक विच यानी कि साइकोरैक्स के स्पेल में थे। साइकोरैक्स नाम की विच थी जो कि बूढ़ी थी, और वो एज की वजह से, ओल्ड एज की वजह से झुक चुकी थी, और उस विच के स्पेल में थे। क्या तुम उसे भी भूल गए हो? एरियल ने बोला नहीं सर। प्रोस्पेरो ने पूछा तुम भूल चुके हो, मुझे पता है तुम भूल चुके हो, तुम्हें पता है वो कहाँ जन्मी थी, उसका जन्म कहाँ पे हुआ था, बताओ, मुझे बताओ अगर तुम नहीं भूले हो। एरियल कहता है कि एल्जियर्स में सर। प्रोस्पेरो कहता है कि ओके, तो अब वो कहाँ पे हैं? प्रोस्पेरो सोच रहा है और एरियल को कह रहा है कि मुझे तुम्हें बार बार एक ही कहानी बतानी पड़ती है क्योंकि तुम भूल जाते हो। ये जो साइकोरैक्स है उसको एल्जियर्स से लात मार के निकाल दिया था लोगों ने, क्योंकि उसके कुछ क्राइम्स थे, उसके कुछ जिसको कहते हैं काला जादू, ब्लैक मैजिक करती थी, और लोग जो है वो उसके कारनामे सुनना भी नहीं चाहते थे, उतने बुरे थे उसके क्राइम्स, और इसी वजह से लोगों ने उसे धक्के मार के निकाल दिया। लेकिन कोई ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से लोगों ने उसे मारा नहीं, दे डिड नॉट एग्जीक्यूट हर। क्या ये सही है? एरियल कहता है कि यस सर, यू आर एग्जैक्टली राइट। फिर प्रोस्पेरो कहता है कि जब उस पर्टिकुलर लेडी को धक्के मार के निकाला तो वहाँ के सेलर्स ने उसके साथ मोलेस्टेशन किया था, उसको प्रेग्नेंट कर दिया था, और जब प्रेग्नेंट किया था तब तुम उसके नौकर थे, उस वक्त तुम उसके नौकर थे, और तुम छोटे थे उस वक्त, और उसकी जो ड्यूटीज़ है वो जितना भी काम सौंपती थी तुम कर नहीं पाते थे, तुम मना कर देते थे, और तुम्हें उसके ऑर्डर्स बहुत ही हॉरिबल लगते थे, और इसीलिए जब तुमने मना किया, जब तुमने उसको डिसोबे किया, तो उसने क्या किया, अपने मैजिकल स्पेल और अपने पावरफुल असिस्टेंट्स की मदद से एक पाइन ट्री में तुम्हें अंदर लॉक कर दिया। और तुम्हें पता है कितने साल तक तुम उस पाइन ट्री के अंदर बंद थे? 12 साल तक तुम उसके अंदर बंद थे। और जब तुम उसके अंदर बंधे हुए थे उस वक्त, इन द मीन टाइम वो मर गई और तुम उसी के अंदर ही रह गए, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे और बहुत ही परेशान थे। और प्रॉब्लम यह था कि इस आइलैंड पे जिस पे तुम बंधे हुए थे, जिस पे तुम्हें स्पेल में रखा गया था, वहाँ पे कोई आता जाता नहीं था, देयर वाज नो पीपल अराउंड। ये जो आइलैंड है उसके अंदर इंसान आए बहुत समय हो गया था। प्रॉब्लम ये हो गया कि साइकोरैक्स, एज वी नो शी वाज प्रेग्नेंट, और साइकोरैक्स ने जन्म दिया एक बेबी को, और बहुत ही गंदा सा बेबी था वो, बिकॉज शी वॉज अ विच और गिविंग बर्थ टू अ सन। तो एरियल कहता है कि हाँ, उसका नाम था कैलिबैन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और कैरेक्टर आता है, कैलिबैन, जो कि साइकोरैक्स द विच का बेटा था।
प्रॉस्पेरो कहता है कि दैट्स राइट यू स्टूपिड थिंग, यस तुम्हें ये तो याद है कि कैलेबैन उसका बेटा था, और प्रॉस्पेरो एरियल को धमका रहा है, वो कह रहा है कि कैलेबैन अब मेरा नौकर है, और तुम्हें पता है कि कैलेबैन ने तुम्हें कितना टॉर्चर किया, कितने टॉर्चर में थे तुम जब मैंने तुमको डिस्कवर, तुमको ढूंढा, तुम इतनी दयनीय हालत में थे कि तुम्हारी चीखें सुन के तो यहां वहां के एनिमल्स भी तुम पे दया खाएंगे। प्रॉस्पेरो एरियल को कहता है कि जिस स्पेल में साइकोरेक्स ने तुम्हें रखा था, ऐसे स्पेल में तो नर्क में भी कोई किसी को नहीं रखता, और ये सिर्फ और सिर्फ मेरी बदौलत, मेरी बहन मेहरबानी, मेरे एहसानों की वजह से तुम अभी फ्री हो। मैंने उस पर्टिकुलर पाइन ट्री को तोड़ दिया और मैंने यहाँ पे आके मैजिक सीखा, और मेरे मैजिकल पावर्स की वजह से तुम फ्री हो। एरियल कहता है कि यस थैंक यू मास्टर, मैं ये सब भूल चुका था, आपने मुझे याद करवाया। प्रॉस्पेरो कहता है कि देख भाई, अगर तूने और कंप्लेंस करी, अगर तूने मेरा काम नहीं किया, तो वो जो ओक ट्री दिख रहा है ना, उसको मैं तोड़ूंगा और वापस तुम्हें उसके अंदर लॉक कर दूंगा फॉर 12 मोर ईयर्स, क्या तुम्हें मंजूर है? एरियल कहता है कि सर 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 प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आपके ऑर्डर्स ओबे करूंगा और सारे काम करूंगा जो भी आपने मुझे दिए, मैं कभी भी कंप्लेन नहीं करूंगा। प्रॉस्पेरो थोड़ा सा पिघल जाता है और वो कहता है कि मेरा काम अच्छे से करो, अगर मुझे लगा कि तुमने मेरा काम बहुत अच्छे से किया तो मैं तुम्हें 2 दिन में फ्री कर दूंगा। एरियल कहता है कि सर आप बहुत नोबल हैं, आप बहुत ही जेनरस हैं, मैं आपके लिए क्या करूं, सिर्फ मुझे बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। प्रॉस्पेरो कहता है कि जाओ और अपना रूप बदल के आओ, डिस्गाइज योर सेल्फ एज अ सी निम्फ, एक बहुत ही सुंदर लड़की बन के तुम मेरे सामने आओ, और हाँ किसी को तुम दिखने नहीं चाहिए, यू शुड बी इनविजिबल, इनविजिबल बन जाओ, सिर्फ मुझे और खुद को तुम दिखने चाहिए और किसी को तुम दिखने नहीं चाहिए। ये मेरा गारमेंट लो और मैजिकल गारमेंट लो और तुम पहन लो और वापस आओ मेरे पास, और जल्दी जाओ, अभी अभी जाओ। एरियल वहाँ से निकल जाता है, और उसके बाद मिरांडा जो है उसकी नींद ख़त्म हो जाती है और वो जागती है, और मिरांडा कहती है कि आपकी जो कहानी थी, आपकी अजीब सी कहानी जो थी, आपकी डरावनी कहानी की वजह से मुझे थोड़े से चक्कर आ रहे हैं, मुझे डिजीनेस फील हो रही है और मुझे दुख हो रहा है। प्रॉस्पेरो कहता है कि अपनी नींद भगाओ और रेडी हो जाओ, हमें कैलिबैन के पास जाना है, वो मेरा नौकर जो हमेशा बकवास करते रहता है, किसी की सुनता नहीं है, हमें उसके पास जाना है, सो तैयार हो जाओ। मिरांडा कहती है कि उसके पास जाना है, वो बहुत ही बुरा एक एविल है, मुझे उसके पास नहीं जाना है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रॉस्पेरो कहता है कि उसके जैसा जो इविल इंसान किसको पसंद होगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, वो हमारे लिए आग लगाता है, लकड़ियां लेके आता है और सारी अच्छी अच्छी चीज़ें करता है, वो हमारे काम का है, तो हम उसके साथ रिलेशंस नहीं तोड़ सकते। फिर प्रॉस्पेरो उसको उठाता है बाय अब्यूजेस, वो कहता है कि हे कैलेबैन पाइल ऑफ डर्ट कुछ बोलो। कैलेबैन कहता है कि आपके पास ऑलरेडी इतनी सारी लकड़ियां हैं तो मुझे क्यों उठा रहे हो। प्रॉस्पेरो कहता है कि आई ऑर्डर यू, बाहर निकल रहे हो या नहीं, तुम्हारे लिए काम है, फटाफट निकलो। एंड देन ही कॉल्स हिम अ टर्टल। प्रॉस्पेरो चिल्लाता है और कहता है कि कम ऑन यू टर्टल। एरियल वापस आता है डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ वाटर निम्फ, निम्फ निम्फ इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, ठीक है, काइंड ऑफ अ मरमेड। तो एरियल एक ब्यूटिफुल गर्ल बन के वापस आता है और प्रॉस्पेरो कहता है कि व्हाट अ फाइन साइट माय डियर क्लेवर एरियल, लिसन केयरफुली, सुनो ध्यान से। और फिर प्रॉस्पेरो एरियल को एक प्लान बताता है, कुछ तो षड्यंत्र है उसके मन में, और एरियल कहता है कि यस माय डियर लॉर्ड, आपने जैसा कहा वैसा मैं करूंगा राइट अवे। एरियल वहां से निकल जाता है। प्रॉस्पेरो फिर कंटिन्यू करता है, कैलिबान से बात करता है, वो कहता है कि यू हॉरिबल स्लेव विथ अ विकेड हैग फॉर अ मदर एंड द डेविल हिमसेल्फ फॉर अ फादर, कम आउट, किसी काम के नहीं हो,
यू आर जस्ट अ वेस्ट कैलिबन, बाहर निकलो, तुम्हें मुझे काम देना है। और कैलिबैन भी अब्यूजेस सुन के क्या कहता है, वो गाली देते हुए कहता है कि भगवान करे तुम जहर में डूब जाओ, उसी जहर में जो कि मेरी मदर यानी कि साइकोरैक्स ने यूज किया था, एंड शी हैड क्रिएटेड दिस पॉइजन फ्रॉम क्रोज फेदर्स, कौवे के फेदर्स से बनाया हुआ पॉइजन का स्वैम्प। स्वैम्प इज अ वेटलैंड जहां पे प्लांटेशन होता है। तो कैलिबन कहता है कि एक ऐसे जहर में तुम दोनों डूब जाओ और ऐसी हवाएं चले, ऐसी साउथ वेस्ट विंड्स चले कि तुम्हारी स्किन जल जाए। यानी कि कैलिबन भी प्रोस्पेरो को गाली दे रहा है। प्रोस्पेरो कैलिबन को कहता है कि बेटा चुपचाप बैठ, मुझे मैजिक आता है और मैं तुम्हें ऐसे क्रैम्प्स दूंगा, ऐसे दर्द दूंगा तुम्हारे बॉडी में कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा, और मैं कुछ ऐसे पंछी छोड़ दूंगा तुम्हारे पीछे कि सारी रात तुम्हें चोंच मारेंगे जस्ट लाइक हनी बीज। कैलिबन कहता है कि ये जो आइलैंड है वो मुझे बिलोंग करता है क्योंकि ये मेरी मम्मी का था साइकोरैक्स, और साइकोरैक्स ने ये आइलैंड मुझे दिया था, लेकिन आपने ये आइलैंड मुझसे छीन लिया है। फिर वो कहता है कि अब मुझे मेरा खाना खाना पड़ेगा। उसके बाद वो कहता है कि ये आइलैंड तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है और तुमने मुझसे छीन लिया है। कैलिबन कहता है कि जब पहले आप यहाँ पे पहुंचे तो आपने मुझे सहलाया, प्यार किया, मेरा ध्यान रखा, आपने मुझे पानी दिया, पानी के अंदर बेरीज यानी कि फ्रूट से, और मुझे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाई, मुझे सन के बारे में बताया, मून के बारे में बताया, और मुझे ये भी बताया कि वो लाइट जो दिन में चलती है, नथिंग बट द सन, सन क्या होता है, मून क्या होता है, उनकी लाइट्स कैसी होती है। जब आप मुझे ये सब बता रहे थे तब मुझे बहुत अच्छा लगता था, एंड आई रियली लाइक्ड यू, आई लव्ड यू बैक देन। फिर मैंने आपको सारे आइलैंड के फीचर्स वगैरह सब दिखाए और मैंने आपको बताया कि फ्रेश वाटर स्प्रिंग्स कहाँ पे है, सॉल्ट वाटर पिट्स कहाँ पे है, कहाँ पे ज़मीन ड्राई है, कहाँ पे फर्टाइल ज़मीन है, मैंने आपको सब दिखाया। और आज मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने आपको क्यों ये सब दिखाया, क्यों मैं आपको इतना चाहता था। वो कहता है कि एज ऑफ नाउ तो मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं मेरे मम्मी के सारे स्पेल्स, मैजिक स्पेल्स यूज़ करके आप लोगों को कीड़े मकड़ियों से और मेंढकों से और बैट्स से आपको परेशान करवाऊँ। वो कहता है कि आप मेरे सबसे पहले राजा थे और आपने मुझे इस पर्टिकुलर केव में बंद करके रखा है और आप मुझे कहीं जाने भी नहीं दे रहे हैं। प्रोस्पेरो कहता है कि झूठे, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें और मार मारने की जरूरत है क्योंकि दया से और जेनरोसिटी से तुम मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करते थे। मैंने तुम्हारा बहुत ध्यान रखा, इतना ध्यान रखा, और मैं तुम्हें अपने घर में रहने के लिए भी अलाउ करता था, लेकिन तूने क्या किया, तूने मेरी डॉटर का रेप किया, यू रेप माई डॉटर। सो दीज आर द लाइन्स जहाँ पे प्रोस्पेरो कहता है कि कैलिबन तूने मेरी बेटी का रेप किया, इसीलिए मैं तुझे इसलिए इस तरीके से ट्रीट कर रहा हूँ। कैलिबन कहता है कि मैंने तो रेप करना शुरू कर ही दिया था कि आपने मुझे रोका, अगर आपने मुझे नहीं रोका होता तो मैं ये पूरे आइलैंड को कैलिबन से भर देता। प्रोस्पेरो को और गुस्सा आता है वो, और वो कहता है कि तुम एक ऐसे नौकर हो कि तुम्हें अच्छाई सिखाई नहीं जा सकती, तुम सिर्फ एविल के लिए कैपेबल हो, तुम्हें सिर्फ बुरे कर्म ही आते हैं, यू कैन नॉट बी अ गुड पर्सन। मैंने हर घंटे तुम्हें नई नई चीज़ें सिखाई, मैंने तुम्हें बोलना भी सिखाया, और तुम एक एनिमल की तरह बड़बड़ाते थे तब मैंने तुमको बोलना सिखाया, और मैंने तुम्हें वर्ड्स बोलना सिखाए, एंड आई हेल्प यू टू बी मीनिंगफुल, एंड आई हेल्प यू फाइंड वर्ड्स टू मेक योर पॉइंट अंडरस्टैंडेबल, लेकिन तुम्हारा खून ही गलत है, तुम्हारा जो ब्लड है वो ही बैड है। तुम कितना भी सीखो, कितना भी तुम्हें मैं अच्छाई के बारे में बताऊं, तुम अच्छे लोगों के साथ नहीं रह सकते, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बुराई आती है।
इसीलिए यू गॉट वट एवर यू डिजर्व्ड. तुम ये डिजर्व करते हो एक केव के अंदर लॉक्ड रहना, यही तुम्हारे लिए सही है. कैलिबन कहता है कि आपने मुझे बोलना तो सिखाया लेकिन मैं उसी लैंग्वेज से आपको श्राप दे सकता हूं, आपको गाली दे सकता हूं. यू टॉट मी लैंग्वेज एंड ऑल आई कैन डू विथ इट इज कर्स. डैम यू फॉर टीचिंग मी योर लैंग्वेज. आपको सिखानी ही नहीं चाहिए थी. प्रॉस्पेरो कहता है कुत्ते के बच्चे यहां से निकल जाओ और हमारे लिए लकड़ियां लेकर आओ जल्दी से. क्या तुम मेरे सामने चेहरे बना रहे हो? अगर तुमने ऐसी जरूरत की तो मैं तुम्हारे शरीर में इतने क्रैम्प्स, इतना दर्द दूंगा और तुम्हारे जो बोन्स है उसमें इतना दर्द डाल दूंगा कि तुम चिल्लाओगे, और तुम इतना चिल्लाओगे कि यहाँ पे सारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो भी कांप उठेंगे जब वो तुम्हें सुनेंगे. कैलिबैन कहता है कि नहीं 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 प्लीज़ ऐसा मत करिए. और फिर वो खुद को बोलता है कि मुझे इसको ओबे करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके पास इतने पावर्स है, इतने स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर्स है कि वो मेरे और मेरे मम्मी के भगवान सेटीबॉस को भी कॉन्कर कर सकता है. सो द गॉड्स नेम इज SETEBOS, जिसको साइकोरैक्स भी वर्शिप करती थी. और अभी हो ये रहा है कि प्रॉस्पेरो मैजिक इतना ज़्यादा सीख गया है कि वो इन दोनों के भगवान को भी कॉन्कर कर सकता है. तो कैलिबैन मन ही मन सोच रहा है कि बेटर आई ओबे हिम, बेटर आई रिस्पेक्ट हिम, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा. प्रॉस्पेरो कहता है कि निकलो यहाँ से. कैलिबैन वहाँ से निकल जाता है. उसके बाद एरियल इनविजिबल हो करके आता है. वो हंस रहा है, खेल रहा है और उसके साथ फर्डिनेंड भी है. उसका गाना कुछ इस तरीके से है, वो कह रहा है कि इस येलो सैंड्स के ऊपर आओ, हम हाथों में हाथ डाल के चलेंगे. जब तुम्हें यहाँ पे अच्छा लगे बिकॉज ऑफ योर लव, ये जो वेव्स हैं वो साइलेंट हो जाएंगे. और फिर वो कहता है कि द स्वीट स्पिरिट्स बियर द बर्डन. फिर एरियल कहता है कि लिसन मुझे कुछ सुनाई दे रहा है. एंड देन देयर आर दीज स्पिरिट्स जो कि आवाजें कर रहे हैं. एंड देन एरियल सेज कि वॉच डॉग्स आर बार्किंग. फिर स्पिरिट्स वापस आवाज करते हैं. एरियल कहता है कि सुनो मुझे सुनाई दे रहा है एक रूस्टर की आवाज जो इस तरीके से बोल रहा है. उसके बाद फर्डिनेंड कहता है कि ये म्यूजिक की आवाज कहां से आ रही है, अर्थ से या हवा से? ये जरूर किसी भगवान को प्रेज करने के लिए बजाया जा रहा होगा. फर्डिनेंड एरियल को कहता है कि ये म्यूजिक मैंने तब सुना था जब मैं अकेले शोर पे बैठा था और अपने फादर्स की डेथ के लिए रो रहा था, तब मैंने ये म्यूजिक सुना था ओवर द वाइल्ड वेव्स, और उसकी वजह से मेरा सारा दुख खत्म हो गया बिकॉज ऑफ द स्वीट मेलोडीज. और यही मेलोडीज की वजह से जो है ये कुछ मेलोडीज ऐसी थी कि मैं खींचा चला आया उस मेलोडीज की तरफ, या तो मुझे कहना चाहिए कि इस मेलोडीज ने मुझे हिप्नोटाइज कर लिया. लेकिन अब वो रुक गई है. नहीं नहीं अभी भी शुरू है. सो ही हियर्स द मेलोडीज अगेन. और वहां पे एरियल है जो कि वापस गाना शुरू करता है. वो कहता है कि तुम्हारे फादर फाइव होल फेदम्स इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट अंडर द वाटर. वो कहता है कि तुम्हारे पिता जो हैं वो ऑलरेडी इस नदी के नीचे है और उनके बोन्स जो हैं वो अब कोरल्स हो चुके हैं, उनकी आंखें जो है वो पर्ल्स बन चुकी है और उनके बॉडी का कोई भी पार्ट नहीं बचा है और वो सी के साथ एक हो चुके हैं. वो कुछ रिच और स्ट्रेंज बन चुके हैं और सी निम्फ उनकी डेथ बेल बजा रही है एवरी आवर. और जो स्पिरिट्स हैं वो कुछ आवाज़ें करते हैं. और फर्डिनेंड फिर बोलता है, वो कहता है कि ये गाना तो मेरे पिता के लिए है, तो ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं गा सकता.
ये एक ऐसा इंसान नहीं गा सकता जिसकी मौत निश्चित है, जरूर कोई सुपर पावर है, जरूर कोई महान इंसान गा रहे हैं। प्रोस्पेरो मिरांडा को कहता है कि अपनी आंखें खोलो और देखो वहां पे देख के आओ तुम्हें क्या दिख रहा है। मिरांडा कहती है, फादर इज इट अ स्पिरिट, क्या ये स्पिरिट है? ओ माय गॉड कितना हैंडसम है ये स्पिरिट ही होना चाहिए। प्रोस्पेरो कहता है कि ये स्पिरिट नहीं है, वो वैसे ही खाता है, वैसे ही सोता है जैसे हम खाते और सोते हैं, उसके पास भी सेम फाइव सेंसेस है जो कि हमारे पास है, और जिसको तुम देख रही हो वो शिप व्रेक में था, जो शिप टूट गई उसके अंदर था। और फिर वो मिरांडा के साथ एग्री करता है कि अगर वो उदास नहीं होता तो यस यू कुड कॉल हिम हैंडसम। वो कहता है कि वो अपने सारे साथी, सारे फ्रेंड्स और फेलो मेट्स को घुमा चुका है और वो उनको ढूंढते ढूंढते यहां तक आ गया है। मिरांडा कहती है कि 100% ही इज डिवाइन, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। सो फ्रेंड्स द थिंग इज, मिरांडा 3 साल की थी और 3 साल से भी छोटी थी तब इस आइलैंड पे है। उसने आज तक यानी कि इस मोमेंट तक किसी भी ह्यूमन बीइंग को नहीं देखा पहले, और मिरांडा जब 49 को देखती है तो बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है और वो कहती है कि कितना डिवाइन है ये बंदा। फिर प्रोस्पेरो कहता है खुद को, वो सोचता है कि सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हो रहा है, और मन ही मन ये भी सोच रहा है कि एरियल तुमने इतना अच्छा काम किया, मैं तुम्हें 2 दिन में बिल्कुल फ्री कर दूंगा। अब फर्डिनेंड भी मिरांडा को देखता है और सोचता है कि शी मस्ट बी द गॉडेस, इस गॉडेस के लिए ये म्यूजिक बज रहा होगा जो मैंने सुना। और फिर वो मिरांडा से बातें करने लगता है। वो मिरांडा को पूछता है कि प्लीज मैं बेग करता हूं, मुझे बताओ क्या तुम इस आइलैंड पर रहती हो, और तुम मुझे ये भी बताओ कि मैं यहां पे कैसे बिहेव करूं, मेरा क्वेश्चन ये है। और मेरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या तुम सच में गॉडेस हो या यहां पे एक नॉर्मल रहने वाली लड़की या मेड। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, जितना तुम मुझे डिस्क्राइब कर रहे हो उतनी ब्यूटीफुल मैं नहीं हूं, आई एम नॉट मार्वलस, लेकिन मैं एक लड़की हूं, आई एम अ गर्ल, आई एम अ नॉर्मल गर्ल जस्ट लाइक अदर्स। फर्डिनेंड थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है, वो कहता है कि ये तो मेरी भाषा बोल रही है, ओ माय गॉड मैं एक हाईएस्ट रैंकिंग पर्सन हूं जो ये भाषा बोल सके, आई एम द ओनली पर्सन जो कि ये भाषा बोल सकता है, और ये लड़की भी सेम लैंग्वेज बोल रही है। एंड देन ही विशेस टू गो बैक, वो सोचता है कि काश मैं वहां वापस जा सकता जहां पे ऐसी लैंग्वेज बोली जाती है। फिर प्रोस्पेरो कहता है कि व्हाट्स दैट द हाईएस्ट रैंकिंग, व्हाट वुड द किंग ऑफ नेपल्स डू इफ ही हर्ड यू से दैट। वो कहता है कि अगर किंग ऑफ नेपल्स ने तुम्हें सुन लिया तो क्या कहेगा, क्या सोचेगा वो। फर्डिनेंड कहता है कि वो क्या सोचेंगे वो मुझे पता है, वो एकदम एस्टोनिश्ड हो जाएंगे, सरप्राइज्ड हो जाएंगे टू हियर समवन टॉकिंग अबाउट नेपल्स, क्योंकि इतने दूर दराज के आइलैंड में अगर कोई ऐसे लैंड की बात करता है कॉल्ड नेपल्स तो ऑब्वियसली एनीवन विल बी शॉक्ड। फिर फर्डिनेंड प्रोस्पेरो को बताता है कि मैं खुद किंग ऑफ नेपल्स हूं, क्यों? क्योंकि मेरे पापा जो कि किंग ऑफ नेपल्स थे वो मर चुके एक शिप व्रेक में। मिरांडा कहती है कि हाउ पिटीफुल, वो दुखी हो जाती है, वो कहती है कि हाउ पिटीफुल इट इज कि तुम्हारे फादर अब नहीं रहे। फर्डिनेंड कहता है कि हाँ सारे के सारे राजा के लोग, ड्यूक ऑफ मिलान और सब के सब अब वहां पे मर चुके हैं, सब तहस नहस हो चुका है। प्रोस्पेरो मन ही मन सोच रहा है, वो मन ही मन ये सोच रहा है कि जो असली ड्यूक ऑफ मिलन और उसकी डॉटर यानी कि प्रोस्पेरो खुद और मिरांडा, इनको जो कि प्रिटेंड कर रहे हैं टू बी ड्यूक ऑफ मिलान एंड ऑल दैट, उनको आराम से हरा सकते हैं, ऐसा प्रोस्पेरो सोच रहा है। और फिर वो ये भी सोच रहा है
कि ये तो लव एट फर्स्ट साइट हो गया, फर्डिनैंड को मिरांडा से प्यार हो गया, और फिर वो एरियल को थैंक यू कह रहा है, वो कह रहा है कि इतना अच्छा काम करने के लिए मैं तुम्हें बहुत ही जल्दी मुक्त कर दूंगा। फिर प्रॉस्पेरो फर्डिनैंड को बुलाता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ बात कर सकता हूँ? आई एम अफ्रेड तुमने एक गलती कर दी है। और मिरांडा सोच रही है कि मेरे फादर इसके साथ इतने रूडली क्यों बात कर रहे हैं, ये पहला इंसान है जो मैंने देखा है इतना हैंडसम, इतना चार्मिंग, और मुझे उसके लिए रोमांटिक फीलिंग्स भी आ रही है, और आई होप माई फादर टेक्स पिटी ऑन मी, आई होप मेरे फादर मेरे बारे में सोचे और उसको अच्छी तरह से ट्रीट करे। फर्डिनैंड कहता है कि अगर तुम एक वर्जिन हो और तुमने अपना दिल किसी और इंसान को नहीं दिया है तो मैं किंग हूं और मैं तुमको अपनी क्वीन बना सकता हूं। अब ये पार्ट इंटरेस्टिंग है। प्रॉस्पेरो उसको रोकता है, वो कहता है कि रुको रुको रुको, इतनी हड़बड़ी मत करो। फिर वो साइड में जाके खुद से बात करता है और वो सोचता है कि इतनी आसानी से कैसे प्यार हो जाए, इतनी आसानी से दोनों कैसे एक हो जाए। प्रॉस्पेरो सोचता है कि मुझे इन दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना होगा, वरना इनको ट्रू लव की वैल्यू कभी भी पता नहीं चलेगी। तो वो फर्डिनैंड से बात करने लगता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ बात करनी है, और आई ऑर्डर यू टू लिसन टू मी, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अपने आप को एक ऐसे नाम से बुला रहे हो जो तुम डिजर्व नहीं करते, डजंट बिलोंग टू यू। तुम इस आइलैंड पे आए हो एज अ स्पाई और तुम इस आइलैंड को हड़पना चाहते हो। मैं यहाँ का राइटफुल ओनर हूँ, तुम इस आइलैंड पे इस तरीके से नहीं आ सकते। फर्डिनैंड कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, दैट्स नॉट ट्रू। अब ये जो मिरांडा है वो उसको दिल दे चुकी है, तो वो सोच रही है कि इतना हैंडसम आदमी और इतना अच्छा उसका नेचर, उसका एटिकेट इतना अच्छा है, तो ये कुछ गलत काम नहीं कर सकता। अगर डेविल का इतना अच्छा घर होता, जस्ट लाइक हिज बॉडी, सो दिस इज डीप, इफ डेविल हैड सच अ ब्यूटिफुल हाउस एज हिज बॉडी, तो अच्छी चीजें उसके अंदर रहने के लिए मरती तड़पती। तो मिरांडा इन शॉर्ट कहना चाहती है कि ये आदमी गलत नहीं हो सकता। प्रॉस्पेरो कहता है फर्डिनैंड को कि चलो मेरे पीछे चलो। प्रॉस्पेरो मिरांडा को कहता है कि उसको डिफेंड मत करो, वो यहाँ पे एक धोखेबाज है, वो आइलैंड में एज अ स्पाई आया है। फिर वो वापस फर्डिनैंड को कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे गले में और तुम्हारे पैरों में चेन्स बांधूंगा और तुम्हें बंद कर दूंगा, और तुम्हें पीने के लिए सी वाटर दूंगा, और तुम्हारा जो खाना होगा वो स्लग्स होगा और ड्राई रूट्स होंगे और शेल्स होंगे। चलो मेरे साथ, तुम यहाँ पे एक धोखेबाज हो। फर्डिनैंड कहता है कि बॉस मैं तुमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकते, आई डिक्लाइन योर ऑफर। फिर फर्डिनैंड जो है वो अपना स्वॉर्ड निकालता है, लेकिन प्रॉस्पेरो अपने जादू से उसको फ्रीज कर देता है एक ही जगह पे। मिरांडा कहती है कि फादर इतनी जल्दी आप उसे जज मत करो, वो अच्छा इंसान है और वो ब्रेव भी है। प्रॉस्पेरो कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे ज़्यादा पता है, डॉटर नोज मोर देन अ फादर। और फिर प्रॉस्पेरो फर्डिनैंड को कहता है कि अपनी ये तलवार नीचे रख दो, यू स्पाई यू ट्रेटर, तुम डरे हुए हो, तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि तुम गिल्टी फील कर रहे हो, और उस पोजीशन से तुम बाहर आ जाओ, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा मैजिक वैंड है जिससे मैं तुम्हारा स्वॉर्ड छीन सकता हूं और स्वॉर्ड को गिरा सकता हूं। और मिरांडा परेशान हो चुकी है, वो कहती है फादर प्लीज मैं आपसे माफी मांगती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो। प्रॉस्पेरो कहता है कि मिरांडा मुझे छोड़ो और मुझे मेरे पास मत आओ, दूर खड़ी हो जाओ, डोंट हैंग ऑन माई क्लोथ्स। मिरांडा कहती है कि प्लीज फादर इसके ऊपर दया करो, मैं जानती हूँ कि वो एक अच्छा बंदा है, अच्छा लड़का है। प्रॉस्पेरो कहता है कि शांत हो जाओ, अगर एक भी वर्ड ज़्यादा तुमने बोला
तो मैं तुम्हें भी पनिश कर दूंगा, या तो फिर मैं तुम्हें भी नफरत करने लगूंगा। तुम एक स्पाई, एक ट्रेटर को डिफेंड कर रही हो, शांत हो जाओ। तुम्हें लगता है कि वो स्पेशल है क्योंकि सिर्फ तुमने इसको देखा है एज अ ह्यूमन बींग, तुमने और किसी इंसान को नहीं देखा है। तुमने कैलेबैन और इसको देखा है, तुम एक बेवकूफ लड़की हो। जो भी लोग आएंगे, मोस्ट पीपल विल सी दिस मैन एज कैलेबैंस। हो सकता है ये कैलेबैन का आदमी हो और उसके साथ इसको कंपेयर करें। मिरांडा वापस आर्ग्यूमेंट करती है, वो कहती है कि मेरा जो प्यार है वो सच्चा है, मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं लगती किसी और इंसान को देखने की अपार्ट फ्रॉम दिस वन, बिकॉज दिस पर्सन इज़ हैंडसम एंड गुड लुकिंग। प्रॉस्पेरो फिर गुस्सा हो जाता है और फोर्डिनेंट को कहता है कि चलो मेरे साथ, मेरे ऑर्डर्स मानो, क्योंकि मेरे स्पेल के अंडर तुम्हारे मसल्स और तुम्हारा बॉडी पूरा लाइफलेस हो चुका है। यू हैव बिकम पैरालाइज्ड बाय मी, सो कम विथ मी। फर्डिनेंड कहता है कि आपने सही कहा, मेरा सारा जो स्ट्रेंथ था वो चला गया, ऐसा लग रहा है कि मैं एक सपने में हूं। वो कहता है कि मेरी फिजिकल वीकनेस, मेरे सारे दोस्तों की मौत, जितने भी थ्रेट्स मुझे इस पर्टिकुलर आदमी यानी कि प्रॉस्पेरो ने दिए, ये सब मेरे लिए आसान हो जाएगा, इन सब चीज़ों को मैं भूल जाऊंगा। कैसे? सिर्फ एक बार मुझे प्रिजन विंडोज से इस पर्टिकुलर लड़की को देखने का अवसर मिल जाए, अगर मैं इस लड़की को एक बार देखता हूँ तो जो भी मेरी प्रॉब्लम्स हैं वो ईजी हो जाएगी। और एक ऐसा प्रिजन जिसमें ये मुझे डाल रहा है वो मुझे और भी लिबर्टी देगा, और भी विजडम देगा, अगर मुझे इस लड़की को सिर्फ एक बार देखने का अवसर मिल जाए। प्रॉस्पेरो मनी मन सोच रहा है कि मेरा प्लान काम कर रहा है। फिर वो फर्डिनेंड को कहता है कि चलो चलो मेरे साथ, डोंट वेस्ट टाइम। फिर प्रॉस्पेरो खुद को कह रहा है कि यू हैव डन वेरी वेल एरियल, तूने बहुत अच्छा काम किया है। फिर वापस फर्डिनेंड को कहता है कि मुझे फॉलो करो, और फिर वो एरियल को बुलाता है और कहता है कि लिसन, अब तुम्हें मेरे लिए क्या काम करना है ध्यान से सुनो। अब मिरांडा जो है वो ऑलरेडी प्यार में पड़ चुकी है और वो फर्डिनेंड को कहती है कि चिंता मत करो, मेरे फादर जो हैं वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं और जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं वो वैसे नहीं है, वो दिल के बहुत अच्छे हैं, और जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं मुझे नहीं लगता कि वो प्रॉस्पेरो है जो मैं जानती हूँ। फिर प्रॉस्पेरो जो है वो एरियल को कहता है कि यू विल बी फ्री एज अ बर्ड, पंछी की तरह तुम फ्री हो जाओगे, लेकिन जितना मैंने कहा उतना तुम्हें करना पड़ेगा। एरियल कहता है कि 100% आई एम टोटली रेडी फॉर वॉट एवर यू से, आप मुझे बताओ क्या करना है। प्रॉस्पेरो फर्डिनेंड को कहता है कि चलो मेरे साथ, मुझे फॉलो करो, और मिरांडा को डांटता है और कहता है कि मिरांडा इस बंदे को डिफेंड मत करो, एंड देन दे एग्जिट। अब फ्रेंड्स बीच में जो है जब फर्डिनेंड आइलैंड एंटर करता है तब कहीं ना कहीं मैंने कहा कि फर्डिनेंड ने एरियल से कहा, वेल आई वॉज रॉन्ग, एरियल तो इनविजिबली रहता है। द थिंग इज इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट फर्डिनेंड इज सिटिंग ऑन एन आइलैंड और बहुत ही हताश है, बहुत ही उदास है, राइट? तो एरियल कुछ ऐसी म्यूजिकल साउंड्स क्रिएट करता है जिसके वजह से ये जो फर्डिनेंड है वो अट्रैक्ट हो जाता है। फर्डिनेंड को एरियल के बारे में बिल्कुल नहीं पता, एज वी ऑलरेडी नो एरियल इज इनविजिबल, एरियल किसी को नहीं दिखता है। सो जस्ट वॉन्ट टू करेक्ट माई मिस्टेक हियर, एरियल जो है नोज मैजिक और उस मैजिक से वो फर्डिनेंड को आइलैंड तक लेके आता है। एंड ये सारा प्लान किसका है? ये सारा प्लान प्रॉस्पेरो का है, राइट? वो कुछ करना चाहता है, वो रिवेंज लेना चाहता है फॉर एवरीथिंग दैट हैज हैपन टू हिम। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे, और बहुत ही मज़ेदार सीन है ये। वेल आई होप यू अंडरस्टूड, ये सीन टू ऑफ एक्ट वन था। अब आगे इन द नेक्स्ट वीडियो एक्ट टू शुरू होगा। सो आई थिंक इफ यू क्लिक नेक्स्ट इन यूट्यूब आपको एक्ट टू सीन वन दिखेगा, बट बहुत ही जल्द मैं सीन वन भी अपलोड करूंगा। आई होप यू अंडरस्टूड, एंड नाउ लेट मी समराइज सीन टू।
तो सीन टू में क्या होता है, प्रोस्पेरो और मिरेंडा एक आइलैंड पे खड़े हुए होते हैं और दोनों ने देखा कैसे शिप के टुकड़े टुकड़े हो गए और मिरेंडा ने उनके फादर को पूछा और कंफर्म किया कि कोई मरा है। तो प्रोस्पेरो ने उसे जवाब दिया कि नहीं, एवरीबडी सेफ, सब ठीक है। प्रोस्पेरो अश्योर करता है कि किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई है, एवरीबडी इज अलाइव। और फिर प्रोस्पेरो मिरेंडा को पूछता है अबाउट हर बैकग्राउंड एंड स्टाफ। मिरेंडा क्यूरियस हो जाती है और प्रोस्पेरो शुरू करता है टेलिंग अबाउट हिमसेल्फ। और बार बार वो पूछता रहता है मिरेंडा से कि वो सुन रही है या नहीं। और फाइनली प्रोस्पेरो मिरेंडा को बताता है कि वो खुद एक ड्यूक था और उसके अंडर में जो किंगडम है वो बहुत अच्छे से चलता था। और फाइनली वो ये भी समझाता है कि उसका जो भाई है वो कैसे कैसे टेक्निक्स यूज़ करके काम चलाता था और प्रोस्पेरो को कैसे अलग कर दिया और कैसे उसने किंग ऑफ नेपल्स के साथ काम करके प्रोस्पेरो का ड्यूकडम छीन लिया। और एंटोनियो ने जो है ये एग्रीमेंट किया था किंग ऑफ नेपल्स के साथ कि वो एनुअली उसको मनी भेजेगा और वो जो भी कहेगा वैसा ही करेगा। और फाइनली किंग ऑफ नेपल्स ने एंटोनियो को आर्मी रेज करने में मदद की और प्रोस्पेरो को बाहर धकेलने में मदद की। और प्रोस्पेरो मिरेंडा को ये सब बताता है और प्रोस्पेरो मिरेंडा को ये भी कहता है कि कैसे उन लोगों ने मौत को एस्केप किया। और मौत को इसीलिए भी एस्केप किया बिकॉज ऑफ नन अदर देन गोंजालो, एन ऑनेस्ट नियोपोलिटन जिसने खाना, कपड़े, बुक्स सब कुछ रखा था। और फाइनली कैसे वो आइलैंड तक पहुँचे ये भी प्रोस्पेरो बताता है। और ये सब सुनते सुनते मिरेंडा को नींद आने लगती है क्योंकि प्रोस्पेरो जो है वो अपने मैजिक स्पेल उसके ऊपर ट्राई करने लगता है और वो सो जाती है। और जब वो सोती है तो प्रोस्पेरो एरियल को बुलाता है। और फिर हमें ये पता चलता है कि प्रोस्पेरो और एरियल दोनों ने स्टॉर्म रचा हुआ था। और प्रोस्पेरो ने कंफर्म किया एरियल से कि जो भी उसने कहा था एरियल को वही हुआ है या नहीं। और प्रोस्पेरो ने ये भी कंफर्म किया एरियल से कि सारे शिप्स, सारे लोग सब ठीक हैं, नोबडी हैज बीन डिस्ट्रॉयड। और वन मोर थिंग, ही वांटेड टू मेक श्योर कि सारे के सारे बाकी के लोग नेपल्स आराम से पहुंच चुके हैं। प्रोस्पेरो एरियल को थैंक करता है और एरियल रिमाइंड करता है प्रोस्पेरो को अपनी प्रॉमिसेस के बारे में। प्रोस्पेरो ने एरियल को प्रॉमिस किया हुआ होता है कि वो अपने सेंटेंस, अपनी पनिशमेंट से एक साल घटा देगा अगर एरियल ने अपनी सर्विसेज अच्छे से दी। और प्रोस्पेरो ने ये चीज़ जो है ही डजंट टेक इट वेल। और एरियल को वो रिमाइंड करता है कि कैसे एरियल को उसने साइकोरैक्स के स्पेल से छुड़ाया और साइकोरैक्स ने कभी उसको फ्री नहीं किया था मरते दम तक। और प्रोस्पेरो ने एरियल को ये भी कहा कि अगर वो नहीं आता आइलैंड पे समय पर तो शायद वो हमेशा इम्प्रिजेंड रहता। और फिर वो एरियल को थ्रेटन करता है, वो कहता है कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं और भी तुमको परेशान करूँगा और उस ओक ट्री के अंदर बंद कर दूँगा। एरियल को ये सब रियलाइज होता है और वो और भी पोलाइट बन जाता है। और फिर प्रोस्पेरो उसे एक काम देता है, वो कहता है कि अपने आप को एक सी निम्फ बना दो और इनविजिबल हो जाओ। और एरियल वापस आता है और मिरेंडा जो है वो उठ जाती है नींद से और उसको ये पता नहीं होता है कि प्रोस्पेरो ने उसको सुला दिया है। उसको ये सब याद नहीं है, वो सिर्फ जागती है और कहती है कि कैसे वो डिस्टर्ब थी बिकॉज ऑफ द स्टोरी। एंड आफ्टर दैट हमने देखा कि कैसे जो एरियल है वो अपने स्पेल से, अपनी मेलेडीज से फर्डिनैंड को उस शोर तक लेके आता है। वेयर इज दैट, यस हियर इट इज समवेयर। फर्डिनैंड को वो लेके आता है एंड फर्डिनैंड फॉरगेट्स अबाउट ऑल हिज मिजरीज, सारा दुख सब कुछ वो भूल जाता है, सारा डिप्रेशन भूल जाता है। और फाइनली वो मिरेंडा से मिलता है, राइट। एंड मिरेंडा को देखते ही दोनों को प्यार हो जाता है, मिरेंडा को फर्डिनैंड से, फर्डिनैंड को मिरेंडा से।
और फर्डिनैंड जो है वो एग्रीमेंट करने लगता है, वो कहता है कि तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, तुम मेरी क्वीन बन जाओ। और प्रोस्पेरो ये सब सुनता है, देखता है, और वो कहता है और मन ही मन सोचता है कि इतनी जल्दी सब कैसे हो रहा है। इफ़ दे फॉल इन लव सो क्विकली, उनको ट्रू लव की वैल्यू पता नहीं चलेगी, तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और वो फर्डिनैंड को कहने लगता है कि तुम एक स्पाई हो, एक ट्रेटर हो, लोग कहेंगे कि तुम कैलिबैन के आदमी हो, तो मैं तुम्हें लॉक कर दूंगा इन अ प्रिजन। तो फर्डिनैंड कहता है कि मुझे एक ऐसे प्रिजन में लॉक करो कि उसके विंडो से मुझे मिरांडा दिखे एटलीस्ट एक बार, अगर ऐसा हुआ तो मैं सारी अपनी डिप्रेशन, अपनी मिजरीज भूल जाऊंगा, आपके थ्रेट्स भी भूल जाऊंगा, बट आई वांट टू सी दिस लेडी। प्रोस्पेरो मनी मन सोचता है कि मेरा प्लान काम कर रहा है, एंड ही थिंक्स दैट एरियल इज अ गुड एंजल, एरियल की वजह से प्लान इज वर्किंग फाइन, और वो सोचता है कि एरियल को जल्द ही मुक्त कर देगा। फर्डिनैंड अटैक करने की भी कोशिश करता है, बट एज यू नो प्रोस्पेरो के पास मैजिकल पावर्स हैं, वो उसको फ्रीज कर देता है और फाइनली उसको प्रिजन में डाल देता है, राइट। एंड प्रोस्पेरो मिरांडा को भी डांटता है, फर्डिनैंड को भी डांटता है, एंड हिज एम इज टू मेक देम रियलाइज द एसेंस ऑफ ट्रू लव, दैट इज सीन 2 ऑफ एक्ट 1 ऑफ द प्ले टेम्पेस्ट। आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, आपको डाउट्स हो, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। आई थैंक यू एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट डे।